सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता डायरेक्ट। जैसे कि अगर मुझे तीसरे मंजिल पे जाना है तो पहली और दूसरी मंजिल तो पार करनी ही पड़ेगी। आपको नहीं कि मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगा तब कि भाई वो तो उड़ेगा तो एक पहली और दूसरी मंजिल तो प्राप्त पार करेगा ही करेगा। तो ध्यान रखिएगा सुख का भी, क्योंकि आपने बात उठा दिए आगे का विषय नहीं है, इसको बोल के छोड़ दूंगा, आगे चर्चा करेंगे इस पर। बताया आपको कौन सा किस धन का मतलब क्या होना चाहिए, धन से क्या मिलना चाहिए सुख, है ना जी, धन से क्या मिलना चाहिए सुख। तो कौन सा किस चीज को धन कहा गया है बताइए, असली धन किसको कहा गया है? संतोष धन। संतोष को धन कहा गया है क्योंकि संतोष धन से क्या मिलता है, शांति मिलती है। जब संतोषी हो जाते हो तो क्या मिलती है, शांति मिलती है। जब शांति मिलती है तो क्या मिलता है, जब भी गीता भगवान कहते हैं अशांतस्य कुठा सुखम, अशांतस्य बड़ी सरल संस्कृत है, अशांतस्य जो शांत नहीं है कुठा कहां है सुखम, उसके लिए सुख। और हम लोग जीवन भर आगे चर्चा करेंगे इस पर, संतोषी रहते हैं क्या, संतोषी रहते हैं माल के लोग, हम लोग कमाल के हैं प्रभु जी, चाहते सुख हैं, चाहते हैं कि हमें क्या लगे, गर्मी लग आग आए, कुछ गर्मी आए और उसमें पानी डाल दें, मिलेगी अग्नि। अब चलते हैं प्रभु जी इस बात को आगे, इसलिए मैं कर्म पे चर्चा करूंगा, इस चीज पे और थोड़ा सा व्याख्या करूंगा कि प्रभु जी अगर संतोषी हो जाएंगे तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारी विकास कैसे होगा, है जी, परंतु मैं आपको तरीका बताऊंगा कि संतोषी होकर भी विकास जो है संतोषी व्यक्ति ज्यादा कर सकता है, वनस्पति जो व्यक्ति संतोषी नहीं। तो अब आगे चलते हैं, सुख हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, गलत नहीं। कई बार लोग कहेंगे नहीं जी अपन को अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। भाई जब तू दूसरों के लिए भी सोचता है, इसलिए सोचता है कि मुझे उससे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। बोलते हैं समाज सेवी है इसलिए भाई कि उससे उसको संतोष मिलता है, शांति मिलती है, और उससे क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो अब प्रभु जी आगे बढ़ते हैं, सुख का दुश्मन क्या है, दुख। सुख का दुश्मन क्या है, तो अब हमें जानना पड़ेगा कि किस चीज से दुख होता है और किस चीज से सुख। ध्यान पूर्वक सुनिए, आपसे प्रश्न करूंगा अपने, आजकल का वर्ड अंग्रेजी का एक शब्द है ना, क्या हिंदी में बता नहीं, क्या कहते होंगे, इंटरैक्टिव, क्या आपस में बोलना चालना तब कुछ निकल के आता है, मंथन होता है ना रोज, हाँ बातों बातों में कुछ ना कुछ निकलेगा। तो अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, दुख का कारण क्या है, ऐसे मत जवाब दे, फेलियर कहा प्रभु जी, दुख का कारण क्या है, फेलियर। अच्छा फेलियर का मतलब क्या हुआ, असफलता, ठीक है जी, असफलता किसका कारण है, दुख का कारण, ठीक है। और किसी का कोई उत्तर है तो बताइए, इच्छाएं है जी, मन की इच्छाएं दुख का कारण है, इच्छाएं दुख का कारण है। दूसरा, हाँ वैसे आपने उनका बात कर दी, आंसर क्यों, असफलता क्यों मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि इच्छा अपने जितनी हैसियत है उससे ज्यादा करी, तो क्या हुआ, इच्छाएं दुख का कारण है। और किसी का कोई उत्तर हो तो बोलिएगा, चिंता मत करिएगा, गलत आंसर है, अभिषेक करूंगा, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां, मोह माया दुख का कारण है, ये भी नहीं है, बीज का बता रहे हो आप लोग, सब उत्तर जो दे रहे हो बीज का है, मैं बीज मानता हूं, बीज जिससे कि सारी बाकी चीजें आती हैं, जैसे कि सुख किससे आता है, संतोष से, ठीक है ना जी, मन को अशांति, मन की अशांति से दुख मिलता है। अच्छा जी अभी भी आप नहीं आए बीज पर, दूसरे का सुख देखते ना हो ना, उद्देश्य की प्राप्ति, प्रभु जी ने कहा पीछे कि असफलता उद्देश्य की प्राप्ति ना होना, बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, जो मेरे को सुन चुके हैं वो बोलेंगे तो उनको ऐसा प्रश्न करूंगा फिर नहीं बोल पाएंगे, तो जो जानते हैं वो अपनी विद्या ना दिखाएं, रस्ते से
रस्ते से लक्ष्य से भटक जाना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जवाब है, लक्ष्य से भटक जाना। प्रभु जी आप लोग ना बीच पे नहीं आ रहे, जो बीज है जिसके कारण की दुख होता है, सिंपल है प्रभु जी। बहुत दुआ, आपस में बात मत करिए, मुझसे बात करिए। आपस में बात करने के लिए बाहर जाइएगा, अभी आप हमसे बात करिए डायरेक्ट। प्रभु जी कह रहे हैं अज्ञानता ही दुख है, उत्तर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इच्छा दुख का कारण नहीं है, गलत इच्छा दुख का कारण है। इच्छा ना करना कभी आगे सोचोगे, अरे कई बार लोग बोलते हैं कई जगह बैठकर, अरे बस इच्छा रहित हो जाओ सारे दुख खत्म। अरे इच्छा ना करना भी एक इच्छा है, इच्छा रहित कैसे होगा? इच्छा ना करना भी एक, तो फिर इच्छा रहित कैसे हुए लोग? कमाल हो। अरे इच्छा तो जीवन का लक्षण है। जीवन का लक्षण क्या है प्रभु जी? अगर इच्छा खत्म हो जाए, नहीं कहते ये व्यक्ति प्रभु जी इसमें अगर इच्छा आ जाए जीने की तो ये बच जाएगा, है ना? डॉक्टर भी कहते हैं इसने जीवन की इच्छा ही छोड़ दी, इसलिए इसको बचाना बहुत मुश्किल है। तो प्रभु जी गलत इच्छा करना, गीता के अंत में भगवान कहते हैं अर्जुन से, यत इच्छेसी तथा कुरु। बड़ी सरल संस्कृत है, यत इच्छेसी, अब तेरी जैसी इच्छा है तथा कुरु, वैसा तू कर। तो इच्छा को भगवान ने नहीं कहा कि तू इच्छा मत कर, क्या कहा? तू जैसी इच्छा है वैसा तू कर। गलत इच्छा करने का मतलब है अज्ञानता। आदमी गलत इच्छा कब करता है? अज्ञानता के कारण। क्यों अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता? क्योंकि उसको वहां तक पहुंचने की ज्ञान नहीं है। आप किसी चीज में असफल क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको वहां पहुंचने का ज्ञान है और आपको ज्ञान नहीं है। अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण है। उदाहरण, गलत व्यक्ति से बिजनेस कर लिया, जानते नहीं थे अज्ञानता के अंदर क्या होना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। गलत व्यक्ति को नौकर रख लिया, कल उसने धोखा दे दिया, किसके कारण? अज्ञानता के कारण। गलत जगह से खा लिया, बीमार पड़ गए, किसके कारण? अज्ञानता के कारण। ये अज्ञानता यहां खत्म नहीं होती, भगवान के आदेशों की पालन नहीं किया, पाप हो गया, पाप के कारण जीवन में नुकसान हो रहा है अज्ञानता के कारण। सारी सब दुखों का कारण एक ही है और वो है अज्ञानता। उसका मतलब सारे सुख का कारण क्या है? अज्ञानता। अगर किसी को इसमें डाउट होगा, प्लीज, शंका होगी, कृपा करके हाथ खाइएगा। मैं एक मुहावरा बोलता हूं, जिसने करी शर्म उसके पूटे करम, जिसने करी देहाई उसको मिली रबड़ी बनाई। एक बड़ा अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी, उसमें अंग्रेजी में है, वो हिंदी में आपको अनुवाद कर रहा हूं, कि जो व्यक्ति प्रश्न करता है वो जब तक प्रश्न करता है अज्ञानता में रहता है, और जो कभी प्रश्न नहीं करता वो जीवन भर अज्ञानता में रहता है। ठीक है, समझे इस बात को? जो व्यक्ति प्रश्न करता है, जब तक वो प्रश्न करता है जब तक तो अज्ञानता में रहता है, उसके बाद कभी प्रश्न का उत्तर मिल गया, अज्ञानता खत्म, दुख खत्म। और जो व्यक्ति प्रश्न नहीं करता वो जीवन भर ही अज्ञानता में रहता है, उसका मतलब दुखी रहता है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर कोई शंका है तो आप, वैसे तो प्रश्न हम लोग आप ही में लेंगे, परंतु अगर इसी पॉइंट पे कोई बात होती है कि आपने बिल्कुल गलत है प्रभु जी, आप तब आप हाथ उठा दीजिएगा, डिस्कशन नहीं करेंगे, उत्तर दे दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाद में फिर मुझसे मिल लीजिएगा, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको आपके संशयों का समाधान हो जाए, क्योंकि संशय भी एक किस्म की अज्ञानता की तरफ लेकर जाता है। तो सारे दुखों का कारण है अज्ञानता और सारे सुखों का कारण है